जय सिया राम, जय बालाजी की। आज हम आए हैं कौन सा गाँव है, ये दमुण कला। और दमुण कला से भी कम से कम 2 किलोमीटर अंदर ही है माड़ है, इनके कुएं में कोई सांप है, कई महीनों से पड़े हैं, सूखा हुआ कुआ है। मैं मेरी टीम के साथ आया हूँ, मेरी टीम में बच्चू रेवारी आया है और समीर अहमद और बिट्टू पीयूष शर्मा, और आज हमारे वंश शर्मा कैमरा संभाल लिया है वंश शर्मा ने, और निखिल भैया भी आए हैं और निशान भी देख रहा है। देखते हैं कैसे सांप है, आओ एक बार लोकेशन देख लेते हैं। नाम बने कोबरा है, लेके 2-3 बार किया था मैंने, कुए का मुआयना करा हमने, ज्यादा गहरा कुआ नहीं है। और एक तो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, और दो दामन है, और बहुत सुंदर सांप है। और हम चाहेंगे कि ये काफी, ये बता रहे हैं कि 2 से 2.5 महीने 3 महीने के लगभग ये इसमें पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे हैं। इनको निकाल के इनके पर्यावरण में बाहर छोड़ दिया जाएगा तो ये अपनी जिंदगी ढंग से जी सकेंगे। तो देखते हैं, करते हैं कोशिश, दिखाते हैं आपको। बस आए कोई चुक नहीं जाएगी, मतलब भाई साहब फेंक रहा, चुप रहो सब, चल लो। हां लो चिन्नू भैया, समीर को दे हाथ में, नेता तो काम डालो यार, के यार छोटी मुट्ठी यार, ये देखो खा जाओ, और बहुत ही शानदार। और तो हमको दुख इस बात का है कि इसको कई दिनों से भोजन नहीं मिला, तो ये दुबला हो चुका है, हेल्दी नहीं है, और बहुत सुंदर स्नैक है। नहीं आएगा इसमें। भाई साहब क्या उम्र होगी? उम्र ब्लैक कपड़ा भेजोगे, ब्लैक वाला लंबाई लगभग उसमें ही है, नहीं और बड़ा जो होता है 7.5 फीट, 7 से 7.5 फीट लंबाई है, और शानदार जीव है। उम्र ऊपर लिया इसको, वहाँ पर है, इसमें इस जगह पे, इस जगह पे इसको तो बता दो, ये दामन दूसरा दो बता रहे दामन इस डिग्गी में, डिग्गी में है क्या भाई साहब, इसको पैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बाहर देखा ना पब्लिक है, बाहर है काम धर, बाहर है डब्बे के, इसमें देखो नीचे इसमें ये ना वो ये रहा पूरा, ये तो बिल्कुल हरा पड़ा, हां ये तो हरा पड़ा है, दामन है, दामन है। तो चिन्नू भाई साहब एक को पैक करके ऊपर ले आओ, दो दामन जूम करके ले, देख 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 सुंदर, अति सुंदर, वेरी नाइस, उसको नमी मिल रही है, सुंदर सांप है दामन। ओए आवाज मत करो, कौन बोल रहा है, चुप चुप, दिमाग का बेटा को दे दे, रुकना नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी छोड़ अभी छोड़ अभी पटक दे, बहुत सुंदर जी। और दोनों लगभग वही एक किसानी के, 7 साढ़े 7, 7 साढ़े 7, बहुत सुंदर शानदार, गजब, वेरी नाइस, सुंदर नहीं अति सुंदर। लो समीर भाई, हेलो, अरे अरे ये कौन फेंक रहा है, अरे सामान ये कौन फेंक रहा है, दे दो इनको, अरे यार बेचारे कई दिन से पड़े हैं यार,
चिन्नू भैया रस्सी दूँ के मेरे नीचे जुगाड़ कर लिया कहेगा ऑलरेडी पड़ी हुई थी नहीं नहीं उसकी क्या बड़ी वाली समीर का टाइम कोबरा में आएगी दिक्कत बंदर गए समीर समीर कोई बात नहीं जस्ट पीछे पटक दे भाई साहब ये अस्पष्ट लग रहा है क्या ना ये थोड़ा इसने केसरी निकाला तो ब्लैक वाला जो था ना उसने केसरी निकाला नहीं नहीं इसने निकाली है केसरी ना ये निकालने को गंदा चल गया उसके साथ समीर का हाथ मार दिया वो निकाले इसमें क्या था ये घोंसला पड़ा है इधर बस 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 नहीं नहीं इधर इधर हाँ यहाँ बस बस यहीं देख ले बस यहीं देख नहीं नहीं ये देख इधर थोड़ा साइड में हाँ यहाँ इस सीध में देख तेरे सीध में बिल्कुल हाँ ये पत्ते के बगल में देख ये घोंसला रहा है नहीं नहीं देख छेद है वहाँ दिख रहा है ना बस वो तो डंडी से कीला कर देना डंडी से कर देना फोटो भी लेना इनके बीच बोलना चाहोगे कुछ जिंदगी एक सफर है सुहाना और यहाँ कल क्या हुआ किसने जाना कोई पता नहीं है मदद करते रहना चाहिए आदमी को इंसान को और यही जीवन है खुद के लिए तो दुनिया जीती है सबके लिए जी के देखो आजकल खुद के लिए जीते हैं पब्लिक सामान है नहीं उतार जाने बरा दीजो ना वेरी नाइस दमाद आदमी खतरनाक बहुत सुंदर काला कपड़ा समीर काला कपड़ा चुप रहे नागराज नागरानी क्या मामला है तुम्हारा हम बचाना है आपको और आप उसके बैठे हो इतने मेहनत करा दे पसीना आ गया सर्दी में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और ज्यादा उम्र नहीं है कैच के 1.5 से 2 साल का 2 साल का लगभग होगा और नागिन है बहुत अच्छी कंडीशन में है भूखी है बाकी हेल्दी नहीं है और इसको भी हमने रेस्क्यू कर लिया 3रा इस कुएं में से
नाम और रेस्क्यू टीम के साथ मैं आया हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ नीचे उतरे हैं समीर अहमद, निशान खान, वन शर्मा तो है ही, तो इसको लेकर ऊपर चलते हैं। चलो तो हमने ये तीनों शापों को यहाँ से रेस्क्यू किया है, गांव आटून क्या है दमून कला और यहाँ से हमने एक तो ये दोनों इंडियन रेड स्नेक है, एक नर है एक मादा है, दोनों ही बिग साइज है, 7 से 7.5 फीट लंबाई, और उसके साथ इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा मादा है ये नागिन, और काफ़ी टाइम से ये बता रहे हैं गांव वाले कि कम से कम 2.5 से 3 महीने पहले पड़े हुए थे इनके पास, हमारे नंबर नहीं थे इसलिए हम आ नहीं पाए, 6 महीने हो गए और 6 महीने हो गए तो इस वजह से क्या है हेल्दी नहीं है, ये कमजोरी आ गई इनके अंदर, इस उम्र के अंदर ये सांप डबल होते हैं, तो हमने इसको यहाँ आके रेस्क्यू किया। और घनश्याम जी भाई साहब ये ड्राइवर हैं यहाँ के, और इनके पास खुद की गाड़ी है, और ये माधोपुर से इटावा चलाते हैं गाड़ी को, इन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी कल और सुबह हमारी बात हुई, उसके बाद में हम आए हैं। और जो हमारे इस कुएं के खेत के मालिक हैं, क्या नाम है आपका? राम बिलाल जी के खेत फार्म हाउस उसको बोलते हैं आजकल इंग्लिश में, खेत खलिहान पहले के माहौल में ऐसे ही बोला करते थे। इनका एक कुआ है जिसमें पानी समय के अनुसार नहीं है क्योंकि धरती में जल स्तर नीचे जा चुका है, और ये यहाँ पे पड़े हुए थे, इन्होंने हमको बुलाया, अवगत कराया, और इनके मार्फत इन जीवों की जान बची, इसे बहुत बड़ी बात है। हम मैं और मेरी पूरी टीम एक ही बिना पे काम करती है, जियो और जीने दो, और दुनिया में शांति का पैगाम भी यही होना चाहिए। तो हम मिलते हैं रिलीजिंग में, वीडियो में बने रहें, तो हम गर्व से बोलेंगे सब मिलकर वंदे मातरम। जय श्री राम। ऐसा है यूट्यूब पे चैनल अपना है स्नेक कैचर रणथंभौर सवाई माधोपुर के नाम से, सर्च करो आपको वीडियो मिलेगा सारे। जय श्री राम जी वाला जी। तो आज फिर आ गए हैं हम जंगल, और दमून कला से हम जिन सांपों को लेके आए हैं उसमें दो रेड स्नेक है, एक लेडी मतलब नर और मादा, तो और एक नागिन है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, तो हम लेके आए हैं वहाँ से। हालांकि मुश्किलों का मामला था, बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी इनको रेस्क्यू करने में, तो कुएं में थे लगभग 20 फीट नीचे हमको उतरना पड़ा, और बहुत सुंदर हमको सांप मिले वहाँ पर स्नेक, तो हम उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। हमारा रणथंभौर अभ्यारण है ये नेशनल पार्क, जिसे टाइगर रिजर्व बोलते हैं, और मैं मेरी टीम के साथ आया हूँ, तो मेरी टीम में निशान खान खड़ा है वहाँ पे, और पीयूष शर्मा और समीर अहमद, और आज तो मुन्नू भी आ गया है, और बच्चू सभी आए हुए हैं, भैया भी आए हैं, जीतू भैया भी, और इनके साथ और भी हमारे और भाई लोग सब आए हुए हैं, और निखिल भैया हैं ही साथ में, तो हम इनको रिलीज करते हैं। लाओ कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और शांत बैठा हुआ है, कई दिनों से भूखा है। उस कुएं में तीनों ही पड़े हुए थे, वहाँ के लोग बता रहे थे कि कम से कम 4 से 5 महीने पहले के पड़े हुए हैं, हम इनको छोड़ देते हैं जंगल में, इनकी दिशा तय कर लेंगे। जाओ भाई जीने तेरी जिंदगी, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर,
ये बहुत अच्छा हो गया, चारों तरफ से देखा है अपने को, एक तरफ आ जाओ अपने सब, क्योंकि ये इधर गलत आ रहा है, ये इधर नहीं आना चाहिए, इधर जाने जंगल में। आ बढ़ जाओ यार, ये रख लो, बढ़ जाओ इधर से, आ जाओ जाने दो, बहुत सुन हेल्दी होना चाहिए था इस उम्र में इसको, और ये कमजोर है, काफी दिन से भूखा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही बढ़िया। हमने इस जीव को छोड़ दिया है, बहुत अच्छी जगह छोड़ा, और ये अपनी दिशा की तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया, हमको अच्छा लगा कि इसने इसकी अपनी खुद की दिशा पकड़ ली है, और बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। जीवन यही होना चाहिए कि दुनिया अपने लिए जी रही है, कभी दूसरों के लिए जी के देखो, जीव जंतु सबके लिए है, इकोसिस्टम के लिए है। अभी हम दूसरा सांप यूज करेंगे, दो सांप हो रहे हैं इसमें, तो हम दूसरा रेड स्नेक रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सांप है, ये भी हमको जोड़े में मिला था, और बहुत ही प्यारा सांप है, नर और मादा दोनों हैं इसमें, दोनों नहीं एक ही है, दूसरा उसमें। बहुत सुंदर सांप, समीर भाई रिलीज करो, और ये तीसरा रेड स्नेक हम इसको भी आवाज करोगे ना, कर देते हैं हम इसको भी, ये भी इसका जीवन जिएगा, सुंदर आवाज मत करो भाई, आवाज मत करो, वेरी बिग साइज, और ब्लैक, ऐसा लगता है इसको ब्लैक कोबरा हो, ब्लैक शार्प है, और ये भी दामन, ये भी दामन है, ये नर है, वो मादा है, ये कांचिल उतार रहे, और सुंदर शार्प, वेरी नाइस, वेरी बिग साइज को, मतलब कोबरा स्टाइल में है ये, ब्लैक बिल्कुल कोबरा का रंग ले लिया है इसने, कोबरा का रंग ले लेते हैं कभी कभी, और कैचली छोड़ रहा है ये, और ये शायद हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी कैचली छोड़ देगा। ले मनु, धर्मेंद्र देखिए पकड़ने का, फिर ये तो एक्सपर्ट है, 10,000 अभी तक, वेरी बिग साइज, अरे आपको डिस्कवरी में होना चाहिए यार, यहाँ क्या कर रहे हो आप, वेरी नाइस चैनल ना, देखो दोनों फूफा रहे हैं, बहुत सुंदर, और ऐसे जीव मैं चाहता हूँ कि ऐसे जीव दुनिया में बने रहे, हम इन जीवों के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, इनको जिंदा रहने के लिए कि ये जीव बने रहे दुनिया में, हम चाहेंगे कि ऐसे जीव यूं करो, बात बहुत एक बार करना, तुम ले लेना लाइट, वेरी बिग साइज, बहुत सुंदर, इधर देख नाप रहे टेल करके, अरे तो नहीं खाए, जबरदस्ती खाए यार, ये ठीक रात लगा था, पर दूर से बहुत सुंदर, कितने भाई कितने लाल आते रिलीज कर देते हैं दोनों जीवों को, जिससे ये इनका जीवन जिएंगे, नाथ को हमने रिलीज कर दिया है, और हम इनको छोड़ते हैं, जाओ भाई जी लो अपनी जिंदगी, और जिंदा मिलेंगे फिर, जिंदा रहे तो देखो आप चलने की स्टाइल, देखो एक इधर एक इधर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमने इन दो तीनों शैंपू को रिलीज कर दिया है जंगल में, इससे इनकी जिंदगी जिएंगे आगे के लिए, हम यही चाहते हैं कि ऐसे जीव जंतु
दुनिया में बने रहे, जिससे हमारा इको सिस्टम बना रहे, हमारा पर्यावरण बना रहे। तो मैं और हाथ जोड़ के हमें पुनः फिर से सभी से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ऐसे जीवों को ना मारें, ना मारें, ना मारें, क्योंकि जीव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं मेरी टीम के साथ हूँ और आज हमारी मैम भी साथ में आई हुई है, खुशी मैर। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी जीव की जान बचाते हुए, किसी रेप्टाइल की जान बचाते हुए, किसी सांप की जान बचाते हुए, और उन परिवारों का, उन लोगों का भय दूर करते हुए जो जिनके बीच में ये जीव जंतु भूले से आ जाते हैं भटकते हुए। तो मिलते हैं फिर हम इसी के साथ। जय सियाराम, जय बालाजी की, जय हिंद, जय भारत। और गर्व से बोलेंगे हम सब मिलकर वंदे मातरम, जय सियाराम।